खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर होली एवं शबे बारात को लेकर पुलिस के द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व सीओ सदर सौम्या सिंह, थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह एवं चौकी प्रभारी शंकर यादव के नेतृत्व में किया गया। दरअसल इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य शबे बारात और होली को लेकर कस्बे में शांति व्यवस्था को बेहतर रखने के साथ ही असामाजिक तत्वों और बदमाशों में दहशत पैदा करने के साथ ही आम जनों में सुरक्षा का भाव जगाने के लिए मुबारकपुर के सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया और आम जनों में होली एवं शबे बारात पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की गई। वहीं सीआईबी न्यूज से बातचीत में सीओ सदर सौम्या सिंह ने कहा कि मुबारकपुर में होली का जुलूस निकाला जाता है, जो नगर पालिका से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होकर जाता है। उसी को लेकर थाना मुबारकपुर एवं पीएचसी बल के साथ पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया गया, ताकि जो भी गतिविधियां हो उसके संबंध में जानकारी हो सके और सभी नगरवासियों को अवगत कराया गया है कि कोई भी समस्या हो तो उसे अवगत कराएं और भाईचारे के साथ संपूर्ण त्योहार को सकुशल संपन्न कराएं। जैसे कि आपको विदित है, आगामी होली का जो त्यौहार आ रहा है उसके संबंध में थाना मुबारकपुर में एक जुलूस निकाला जाता है, जो नगर पालिका से शुरू होता है और विभिन्न स्थानों पर जाता है। तो हमारे और थाने की फोर्स और पीएसी बल के साथ उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधियाँ हों उसके संबंध में जानकारी हो सके और सभी के ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को अवगत कराया गया कि कोई भी समस्या हो उसे अवगत कराएँ और भाईचारे के साथ संपूर्ण त्यौहार को सकुशल संपन्न करें।